आज हम शेयर करेंगे बाजरे की खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और राजस्थान की काफ़ी फेमस रेसिपी है। राजस्थान के लोग बाजरे से बनी हुई चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं और बहुत चाव से खाते हैं। ये वहाँ की ट्रेडिशनल डिश में से आती है और यूपी बिहार के लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये मोटा अनाज है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हम इसे अपनी मम्मा की स्टाइल में बनाएंगे और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड्स वैली विद स्वाति। जय श्री श्याम दोस्तों। यहाँ पर हमने 250 ग्राम के आसपास बाजरा लिया है। इसे अच्छे से खलबट्टे में कूटकर इसके छिलके को सब उतार लिया है। अच्छे से साफ़ करने के बाद हम इसे 4 से 5 पानी में अच्छे से धुल लेंगे और धुलने के बाद इसे 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से साफ़ कर लिया है हमने इसे। अब हम यहाँ पे हरी वाली लहसुन लेंगे, आप चाहे तो हरी वाली लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। और अदरक लिया है 2 से 3 इंच, अदरक हमने ज़्यादा लिया है। और जीरा है 1 चम्मच, लहसुन की 10 से 12 कलियाँ हैं तड़के के लिए। यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है 5 से 6 और मीडियम साइज के 2 आलू छोटे छोटे कट कर लिए हैं। और थोड़े से चावल हमने लिया है और 1 कटोरी फ्रोज़न मटर, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, हमने जो सर्दियों में यूज़ होता है वही मटर लिया है। यहाँ पर हमने चने की दाल और उड़द की छिलके वाली दाल ली है। आप दाल कोई और भी ऐड कर सकते हैं और धनिया पत्ती, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने मसाले को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मिक्सी के छोटे वाले जार में धनिया पत्ती डाल दिया है। अब हम इसमें लहसुन को डाल लेंगे। अगर आपके पास ये वाले लहसुन नहीं है तो आप नॉर्मल लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मिर्च को भी ले लिया है और अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। और हींग इसमें बहुत ज़रूरी है, आप हींग डालना नहीं भूलना। अब हम इसका फाइन पीस तैयार कर लेंगे और ये वाले बर्तन में हम बनाएंगे। और ये बर्तन बहुत भारी और मोटा होता है इसकी तली, और इसलिए इसको पहले से हमने गरम कर लिया था। और यहाँ पे हमने 3 चम्मच बड़े वाले तेल डाला है, आप देख सकते हैं। और इस बर्तन में हम पकाएंगे, क्योंकि इसमें बाजरे की खिचड़ी वगैरह और बाजरे के चावल वगैरह बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार किया था उसे हम डाल देंगे। जीरा हम यहाँ पर नहीं डालेंगे छौंकने में। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा, तब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। और यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। इस खिचड़ी को बनाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है इसे पकने में। और यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है। आप अगर चाहो तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, पर हमने नहीं डाला है। अब हम यहाँ पे आलू को डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़े से हमने पानी को ऐड कर लिया है ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। आलू अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें बाजरे को ऐड कर देंगे। बाजरे को ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसे इतना भूनना है कि इसका पानी सूख जाना चाहिए।
आप देख सकते हैं पानी सूखने लग गया है। अब हम इसमें जो चावल दाल और चने की जो दाल थी सबको अच्छे से साफ करने के बाद इसमें डाल दिया है। पानी से 3-4 पानी धुल लेना है अच्छे से। फिर इसे भी हम इसी के साथ अच्छे से भून लेंगे 8 से 10 मिनट तक। फिर इसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट। अब आप देख सकते हैं इसमें सारे पानी सूख गए हैं। इसे अच्छे से फिर से भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि बाजरे को पकने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ हमने ऊपर तक पानी भर दिया है बर्तन में, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अब हम इसे ढक करके एकदम मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं खिचड़ी अच्छे से उबल गई है, लेकिन अभी कोई भी मतलब इसमें जितने भी अनाज हैं वो अभी पके नहीं हैं। इसे आप जब भी बनाइएगा तो ऐसे ही बर्तन में बनाइएगा, तभी आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप कुकर में भी बनाना चाहें तो मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा। अब हमारे सबसे लास्ट में हम इसमें मटर डालेंगे। मटर हम पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो मटर का कलर जो होता है वो एकदम अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए हमने मटर को लास्ट में डाला है। आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी पककर अच्छे से तैयार हो गई है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। इसे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं पकने के लिए। अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए हमने यहाँ 3 चम्मच देसी घी लिया है, उसमें जीरा डाल देंगे, फिर लहसुन को बारीक काट करके डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे, और यहाँ पर हमने हींग भी डाल दिया है। आप चाहे तो शुरुआत में भी डाल सकते हैं हींग। और फिर इसके बाद हमने हरी मिर्च को डाल दिया है। हरी मिर्च लास्ट में डालेंगे, नहीं तो हरी मिर्च एकदम जल जाएगी। इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहना है ताकि मसाले जो हैं इसमें लहसुन मिर्च वो जलने ना पाए। ये अच्छे से रेड हो जाए, अगर लाल हो जाने के बाद इसे हम खिचड़ी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं लहसुन की कलियां एकदम लाल होने लग गई हैं। अब हम खिचड़ी को छौंक लेंगे। अब हमारी खिचड़ी अच्छे से बनकर के तैयार है। आप इसे दही या हरी वाली चटनी या फिर टमाटर की जो चटनी लहसुन वाली होती है उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ में पापड़ भी ले सकते हैं, और धनिया पत्ती से हमने यहाँ पे इसे गार्निश कर दिया है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब हमारी खिचड़ी एकदम से परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक